फ्रेंड्स, एप्पल एप्पल एक काफी अच्छा और हेल्दी फ्रूट है। इसका यूज हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी तो बनाता ही है और हमें हमारी जो बॉडी है उसको भी काफी प्रोटीन और विटामिन और एंजाइम कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, बॉडी को स्वस्थ करता है यदि इसका हम यूज कर। दोस्तों, आप बाहर का जो विटामिन लेते हैं, बाहर जो प्रोटीन लेते हैं, उससे कहीं लाख गुना अच्छा होता है आपका। दोस्तों, यह एप्पल भी काफी स्वास्थ्य आपका अच्छा कर देता है इसके यूज करने से, और यह सस्ता भी है। यदि आप प्रोटीन बाहर की लेते हैं, उस बाहर के प्रोटीन के मुकाबले यह काफी सस्ता है दोस्तों, और सस्ता है अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन खाने से आपकी मसल्स तो जरूर थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन इसके वजह से जो आपके बॉडी पे बैड पड़ता है वह काफी खतरनाक होता है, जानलेवा भी होता है। तो दोस्तों, ऐसी खतरनाक केमिकल रसायन से बचें, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं, स्वस्थ बनाएं और अच्छी तरह से उसका यूज करें अपनी बॉडी को। जब अपनी बॉडी का अच्छी तरह से यूज करेंगे तब वह बॉडी लंबे समय तक वह लेके चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, यह एप्पल खाने से सबसे पहले तो इसके अंदर जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उससे जो है आपकी जो बॉडी है वह विष मुक्त है, विष मुक्त यानी डिटॉक्सिफाइंग करता है। उसके अंदर तमाम प्रकार के जो हमारे अंदर फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल को वह न्यूट्रल करता है, और न्यूट्रल करने के बाद जो डेड सेल होती है या डैमेज सेल, उन सेल्स को खत्म करता है या रिपेयर करता है। इसके वजह से कैंसर जैसी डिजीज होता है क्या। इसके अलावा दोस्तों, यह हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, विटामिन तो होती ही है लेकिन कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे हमारे जो हड्डियां होती हैं वो काफी मजबूत करता है। यानी हड्डी की भी प्रॉब्लम है तो आपकी ये भी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है इस एप्पल को खाने से। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मेन पर्पज है कि आप लोग जो गलत मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं उसने बॉडी को मजबूत या अपनी मसल्स को गेन करने के लिए, वह मत लीजिए। आपके लिए ये नेचुरल ही इनफ है, सफिशियंट है दोस्तों। यदि आप एप्पल डेली आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो वह काफी कारगारी है, आपकी जो मसल्स है वह ऑटोमेटिक निकल जाएगी। इसके अलावा यह आपके दांतों के लिए भी काफी कारगारी है। यदि आपके दांतों में जो बैक्टीरिया होती है, बैड बैक्टीरिया होती है, उनको भी ये किल करता है। माउथ का स्मेल आती है, बैड स्मेल जो आती है उसको भी ये खत्म करता है, और दांतों का स्वास्थ्य या माउथ का स्वास्थ्य भी सही स्वस्थ होता है और अच्छी तरह से यह सेव का यदि आप करते हैं। दोस्तों, सुखाने का जो तरीका होता है वह दोनों टाइप से होता है। इसका जो छिलका है उसको आप निकाल के भी खा सकते हैं, बिना काट के भी खा सकते हैं, लेकिन तरीका होता है खाली पेट खा रहे हैं तो आप इसका निकाल के खाइए, आप खाना खाने के बाद खा रहे हैं बिना छिलका का। मुझे आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी हेल्प कर और नॉलेज फुल रही होगी। मुझे विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दूसरे को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, जिससे इसका इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य और दूसरे का फायदा हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी वीडियो में, मिलूंगा।